नमस्कार, नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णमूर्ति वॉल स्कूल कटक ओडिशा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण पढ़ाई के लिए कैसे आकर्षित करें तथा जीवन का सार्थक मूल्य कैसे सिखाएं, साथ ही कक्षा में अनुशासन के साथ पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, Sunanya Tripathi wishes your guidance on motivating students for taking interest in academics. Honorable Prime Minister Sir. ये सवाल टीचर का था। हाँ, सही था ना? देखिए, आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला आपने, पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस, 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर, तो देखा होगा आपने। मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बता, तो आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कात की तरफ, ए खड़ा हो जा, क्यों ऐसे बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढिकना कर रहा है, यानी पूरी 5-7 मिनट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विषय याद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी, वरना फिर मानो कोई हंस पड़ा उसको पकड़ेंगे, क्यों हंसता है तू, यानी अच्छा आज भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा, अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना है। और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो वो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है, क्योंकि उसने पूरी तरह टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। जरूरी 2-4 चीजें सीख ली और इधर उधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है, सर्दियों में भी पसीना छूट जाता है उसको, उसको लगता है कि ये बच्चे। और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है दूसरों पर एक्स्ट्रा रौब जमाना ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है, ये हमारा भ्रम है। टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है, जी नहीं। अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है, आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए, उसकी जिज्ञासा ही उसकी उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है।
किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत दीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तूने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा, ऐसा करो हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा, ये विचार तुम्हें कहां से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा, जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, पूछ लूंगा और फिर मैं तैयार होकर के आऊंगा, फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अच्छा भाई तुम्हें ये विचार आया कहां से, इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें, उसको पुचकारते हो, फिर कहिए देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है, वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है, अगर एकाध गलत बात बता दी, एकाध गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है, और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है, हमने बाद में भी बताए तो चलता है। दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है, क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना रुवाब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना उसको पूछेंगे बताओ तुम समझे कि नहीं समझे, तो आ करता रहेगा, तू तू मैं करेगा, तो फिर वो डांट देंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट है उनको कहता अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको, वो बढ़िया से समझाएगा, तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा, और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कंपटीशन शुरू होगी, स्वाभाविक रूप से कंपटीशन शुरू होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्लास में भी कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला ले, अलग बुला करके बात करे, प्यार से बात करे, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा, मैं भी देखूं क्या खेलते थे, अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया होता तो फायदा होता कि नहीं होता, उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता, वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी, लेकिन उसके ईगो को अपने अगर हर्ट किया तो फिर दिमाग फटकेगा। कुछ लोग चतुराई भी करते हैं, चतुराई भी कभी कभी काम आती है, जो सबसे शरारती लड़का होता है उसी को मॉनिटर बना देते हैं, बनाते हैं ना, वो मॉनिटर बन जाता है तो भी उसको भी लगता है यार मुझे तो थोड़ा ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा, तो वो फिर खुद को अपने आप को जरा ठीक करता है और सबको ठीक रखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी बुराइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है, और अल्टीमेटली परिणाम ये आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी सुधर जाता है। तो अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लिन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए, हमें अपनापन का ही रास्ता चुनना चाहिए, अपना रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।